अस्सलामुअलैकुम, मैं सभी हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दहिसर मोरी में रहने वाला 40 वर्षीय व्यक्ति की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई है। आपको बता दें, सील डाइगर पुलिस स्टेशन से आगे मुंबई पुणे रोड पर दहिसर मोरी इलाका है। दहिसर मोरी गांव में रहने वाला गोपीनाथ भिवा जयपाल 40 वर्षीय व्यक्ति अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है और मापे में काम करता है। लॉकडाउन होने की वजह से काम भी बंद था और इसी वजह से ये अपने घर पर ही था। मिली जानकारी के मुताबिक कल 18 मई को लगभग 11 से 12 बजे घर से ये कहकर निकला कि थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ, मगर देर रात घर वापस न आने पर इसके घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू किया। रात भर इसकी तलाश की मगर ये नहीं मिला। उसके बाद इसकी मिसिंग कंप्लेंट सील डाइगर पुलिस स्टेशन में की गई। इस बीच दहिसर मोरी से सटे दहिसर ठाकुरपाड़ा परिसर के एक पहाड़ी पर खदान में एक लाश मिली, जिसकी पहचान दहिसर मोरी दत्ता मंदिर के पास रहने वाले गोपीनाथ भिवा जयपाल के रूप में हुई। मौके पर सील डाइगर के सीनियर पीआई चंद्रकांत जाधव और क्राइम पीआई मोहिते पीआई सरफरे अपनी टीम के साथ पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल सील डाइगर पुलिस ने एडीआर के तहत मामला दर्ज किया है। आगे जांच में पता चलेगा कि ये दुर्घटना है या किसी ने इसकी हत्या की है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये दुर्घटना है, हत्या है या खुदकुशी है। इसकी पूरी जांच सील डाइगर पुलिस स्टेशन कर रही है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।